अभी कुछ दिन पहले ही हमने मातृभाषा दिवस मनाया। जो विद्वान लोग हैं वो मातृभाषा शब्द कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लेकर बहुत एकेडमिक इनपुट दे सकते हैं। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। मां और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। मुझे बरसों पहले की एक बात याद है, जब मुझे अमेरिका जाना हुआ तो अलग अलग परिवारों में जाने का मौका मिलता था कि एक बार मेरा एक तेलुगु परिवार में जाना हुआ और मुझे एक बहुत खुशी का दृश्य वहां देखने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कि कितना ही काम क्यों न हो, लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य डिनर टेबल पर बैठ के साथ में लेंगे, और दूसरा डिनर के टेबल पे कंपलसरी हर कोई तेलुगु भाषा में ही बोलेगा। जो बच्चे वहां पैदा हुए थे उनके लिए भी ये नियम था। अपनी मातृभाषा के प्रति ये प्रेम देखकर इस परिवार से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। साथियों, आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं